खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। कोविड-19 की पुष्टि के बाद 70 साल के राहत इंदौरी को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 11 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली। राहत साहब तो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन पीछे अदब की वो विरासत छोड़ गए जो हमेशा नई पीढ़ी के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगी। बड़ा शायर वो है जो शेर बतौर शायर नहीं बल्कि बतौर आशिक कहे। जब लोग राहत इंदौरी साहब को सुनते थे या पढ़ते थे तो उन्हें एक ऐसा शायर नजर आता था जो अपना शेर बतौर आशिक कहता था। वो आशिक जिसे अपने अदब के दम पर आज के हिंदुस्तान के आवाम की बेपनाह महबूबियत हासिल है। शायरी को लेकर गालिब, मीर, जौक, फैज, इकबाल आदि अध्ययन के विषय हैं जो हमेशा रहेंगे। इनके मुतालिये के बिना तो शेर शुद्ध लिखना और गजल समझना भी दूर की बात है, लेकिन गालिब, मीर, जौक, फैज और इकबाल जैसे बड़े शोराओं के अलावा आज हिंदी उर्दू का कैनवस इतना बड़ा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अदब की मशाल राहत इंदौरी जैसे शायर ने इतने सालों तक अपने हाथों में थामे रखी। हिंदी और उर्दू अदब के दोनों की योजक कड़ी में जिन 3 या 4 शायरों के नाम गिने जाएंगे, जिन्होंने दोनों मंचों पर बराबर अपना मुकाम बनाया, बहार बराबर मोहब्बत जिन्हें मिली दोनों मंचों पर, उनमें से राहत इंदौरी नाम छोटी उंगली पर गिने जाने वाले पहले 3 नामों में से एक नाम है। उनकी खासियत ये थी कि वो जहाँ छोटे बच्चे थे उनके साथ छोटे बच्चों जैसा मिलते थे, जहाँ किशोरों के बीच में सुनाते थे तो ऐसा लगता था जैसे एक 17 साल का इतराता हुआ लड़का मोहब्बत और इश्क में गाता हुआ घूम रहा है, जब वो बड़े लोगों के बीच बैठते थे ऐसा लगता था एक PhD स्कॉलर किसी के सामने बातचीत कर रहा है। ये सच है कि साहित्य इमारतों में पैदा नहीं होता, उसे गंदी बस्तियों में जाकर फणीश्वरनाथ रेणु बनने के लिए आंचलिक सफर तय करना पड़ता है। उसे प्रेमचंद बनने के लिए मॉल की चकाचौंध छोड़कर किसी काश्तकारी करते होरी की तलाश में निकलना पड़ता है। उसे सआदत हसन मंटो की तरह अरबाब निषाद यानी कोठे वालियों की गली में भटकना पड़ता है। मोहब्बत में सफल हो जाने मात्र से साहित्य पैदा नहीं होता। साहित्य लिखने के लिए अमृता प्रीतम की तरह इमरोज को अपनी घर की छत और साहिर को खुला आसमान बनाना पड़ता है। राहत साहब की सबसे खास बात यही रही कि उनकी शायरी मीर और गालिब की जमीन पर उपजी अपनी ही तरह की एक शायरी है। वो मीर और गालिब के खानदान के जरूर हैं, लेकिन राहत साहब की पहचान उनकी अपनी है। उन्होंने तो खुद भी कहा है, फिर वही मीर से अब तक के सेदाओं का तिलिस्म, हैफ राहत की तुझे कुछ तो नया लिखना था। आइए जानते हैं राहत साहब की जिंदगी के बारे में विस्तार से। हर तारीख किसी न किसी वजह से बेहद खास होती है। 1 जनवरी 1950 का दिन भी 2 चीजों की वजह से बेहद खास है। इस दिन आधिकारिक तौर पर होलकर रियासत ने भारत में विलय होने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए। वहीं इस तारीख के खास होने की दूसरी वजह है कि 1 जनवरी 1950 को राहत साहब का जन्म हुआ। वह दिन इतवार का था और इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ये 1369 हिजरी थी और तारीख 12 रबी उल अव्वल थी। राहत साहब के वालिद 1942 में सोनकच्छ देवास जिले से इंदौर आए तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनका राहत इस शहर की सबसे बेहतरीन पहचान बन जाएंगे। राहत साहब का बचपन का नाम कामिल था, बाद में उनका नाम बदलकर राहतुल्ला कर दिया गया। खबर स्टेशन की तरफ से राहत इंदौरी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि।